एक्सट्रीनियस रूट में, एक्सट्रीनियस रूट हमारे पास ये डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, नंबर ऑब्टेन इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ऑन इक्वेशन विच इज एक्चुअली नॉट अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. इन अदर वर्ड्स वी मे से डैट अ रूट डैट डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन को मतलब सेटिस्फाई ना करें, हो उसके रूट ही लेकिन वो सेटिस्फाई ना करते हो उस इक्वेशन को. जो सेटिस्फाई कर देते हैं वो सॉल्यूशन सेट में आ जाते हैं, जो सेटिस्फाई नहीं करते वो सॉल्यूशन सेट से बाहर चले जाते हैं. अब ये हमारे पास आ गई 4.3, रेडिकल की डेफिनेशन आपको पता है, एन अदर वर्ड यूज्ड फॉर रूट द गिवन साइन. ये साइन उन्होंने बताया हुआ है, इधर डिफाइन किया हुआ है. ये वाला साइन रेडिकल का, रेडिकल साइन अ नंबर प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द गिवन, ये साइन होता है हमारे पास, शोज द टाइप ऑफ रूट. अब ये देखो, ये हमारे पास 2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5. पहला शो करता है स्केयर को, दूसरा क्यूब रूट, 3 पावर, फोर्थ रूट जिसमें 4 पावर, फिफ्थ रूट, इसी तरह अप टू सोन nth रूट तक जाता है. 2, 3, 4 एंड nth आर कॉल्ड इंडेक्स. ये MCQs होते हैं. जो इधर भी आएगा इंडेक्स क्या होगा, जो उसकी पावर में आएगा, मतलब 1/n है तो वो ये n जो है वो इसका इंडेक्स होगा. अगर 1/5 है तो 5 उसका इंडेक्स होगा. और देयर इज नो नंबर टू लेफ्ट ऑफ द साइन. अगर ये हमारे पास सिंपल ना हो, इस पर कोई सिंबल ना हो, इधर 2 ना हो, तो इसका मतलब अंडरस्टूड सी बात है वो 1/2 होगा. फिर आगे रेडिकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास कम अज कम एक साइन आ जाए उसका, जजर का, स्केयर रूट का, स्केयर रूट का एक साइन आ जाए हमारे पास. तो अब ये देखें नीचे, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन. रेडिकल इक्वेशन की कॉमन डेफिनेशन आती है, इंडेक्स का MCQs आता है इसमें से, या फिर आपके पास इसमें आता है एक्सट्रीनियस रूट. एक्सट्रीनियस रूट की डेफिनेशन लाजमी वो पूछ लेता है पेपर में ना, कि एक्सट्रीनियस रूट क्या होते हैं, जो भी बताए हैं आपको. इसमें भी मुख्तलिफ तरह की टाइप्स होती हैं. अच्छा, अभी इनका फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? So question number 2 है. Question number 2 है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल सबसे पहली फर्स्ट टाइप आती है इसकी. इस टाइप में हमने क्या करना होता है, बोथ साइड हमने इसका स्केयर करना होता है. स्केयर करने से पहले हमने देखना होता है कि अगर हमारे पास कोई टर्म आपस में इक्वल आ रही है, मतलब देख लेते हैं उसको. ये देखें, एक मिनट. अब ये था हमारे पास एक्स स्केयर माइनस एक्स ओवर 2 माइनस 7 एक्स माइनस 3 इंटू दिस वन. अब ये देखिए 2 ओवर में आ रहा है इसके ना, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 2x स्केयर माइनस एक्स माइनस 14 2x माइनस 6 आगे जो भी आ रहा. सारी क्वेश्चंस को एक साइड पे ले आए, ये सारा एक्सप्रेशन दूसरी तरफ चला गया, दूसरी तरफ जाके ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला था वो माइनस में हो जाएगा. तो ये आ गया प्रोसेस. प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 14 और प्लस 6 आगे ये वाला सारे का सारा एक्सप्रेशन. अब ये सारे का सारा एक्सप्रेशन आ गया. अब बेसिकली तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इन्होंने किया थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस, ये वाला ना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस किया है इन्होंने. इसने क्या किया है, इसने कर लिया ये जो अंडर रूट आ रहा था, अंडर रूट में उसको हमने पुट कर लिया वाई के बराबर. जब स्केयर करेंगे तो वो वाई स्केयर बन जाएगा. अब ये काम किया क्यों है, अब ये देखो, ये इतने पोर्शन का 2x स्केयर माइनस 3x और ये देखो 2x स्केयर माइनस 3x, आगे तो फर्क आ रहा था प्लस 2. इधर भी अगर प्लस 2 होता तो डायरेक्ट ये आंसर हमने यही पुट कर देना था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें इसकी वैल्यू हम स्केयर जब करने के बाद
स्केयर जब करने के बाद हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमें पता है इनका आंसर, हमें पता है 2x² - 3x = y², ये 2 जो था वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। अगर ऐसे करना है ऐसे कर लो, नहीं तो इसका आप सेपरेट स्केयर ले लो, मतलब ये सारी टर्म एक तरफ रहेगी और ये वाली टर्म सारी एक तरफ रहेगी, फिर भी यही एक्सप्रेशन आंसर फिर भी यही आएगा। अब इसमें देखो ना, हमारे पास ये फर्स्ट 2 जो टर्म्स थी ये क्या आ रही है, सेम आ रही थी यहाँ पे, तो हमने इन पूरी टर्म्स को रख लिया वाई के बराबर, जब उसका स्केयर रूट किया तो उधर से हमारे पास 2x² - 3x = y² - 2, तो वो उसकी जगह हमने पुट कर दी वैल्यू y² - 2 - 14 पहले ही वैसे +6, और इस पूरे को हमने क्या सपोज किया हुआ है 6 के बराबर, इधर से ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये बोर्ड में आते हैं क्वेश्चंस ना सर, इतने लेंथी क्वेश्चन है। हाँ हाँ, नहीं ये नहीं आते पेपर में, नहीं आते, लेकिन समझ नहीं। ठीक है सर, सर बस यही पूछना था, मैं जा रहा हूँ, बस मैं यही पूछना था बोर्ड में आते हैं कि नहीं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। किधर जा रहे हो सर? वो बिजी था जरा, इसलिए दिल नहीं था खड़ा क्लास लेने को, कजन आए हुए थे। ओके, कभी भी नहीं आए एमसीक्यूज वगैरह में? एमसीक्यूज वगैरह में आपको बता दिया, वो जो आते हैं ना वो आपको पहले बता दिया मैंने। तो सर कर क्यों रहे हैं? कर क्यों रहे हैं फिर? कर इसलिए रहे हैं कि बोर्ड वालों को पता कोई नहीं, स्मार्ट सिलेबस जो बन गया है। हाँ स्मार्ट सिलेबस बन गया ना, इस वजह से कंपलसरी अब सर। पहले नहीं तो ये करवाते थे, इसके एक दो क्वेश्चन करवा देने, चलो जी बस, क्योंकि इसमें से कभी भी नहीं आया पेपर में क्वेश्चन। तो अब ये हमारे पास आ गया वाई की वैल्यू। अब इनिशियल में स्टार्ट में हमने किसके बराबर रखा हुआ था, वाई इसके बराबर था, वाई की वैल्यू पुट की, वाई की वैल्यू पुट करने के बाद दोनों का स्केयर किया। अब इधर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग बनेगी और इधर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग बनेगी, उसका सलूशन अलग अलग आएगा, तो टोटल हमारे पास इसके 4 आंसर बन जाएंगे। जस्ट इसका हिंट हिंट देख लेते हैं ना हम, मतलब अगर इन केस अगर पेपर में आ भी जाता है तो कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आने वाला नहीं है ये। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है इसका? सर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं बता देता हूँ, ये देखें, अभी चंद एक क्वेश्चन इस तरह के हैं जिसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशन, इसकी 4 तरह की टाइप्स होती हैं लीनियर इक्वेशन। ये देखो अंडर रूट के रेडिकल के अंदर हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाए, अब ये लीनियर इक्वेशन है जिसकी पावर एक्स की पावर 1 है, तो हमने क्या किया इसको भी दूसरी तरफ ले आए, ये वाले पोर्शन को जब इस तरफ ले आए तो ये बन गया माइनस टेकिंग स्केयर। अब वो जो पहले वाला सवाल किया ना उसको भी हम यही मेथड अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं, इजीली वो सॉल्व हो सकते हैं। तो जब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, और ये 4 बन गया। अब ये सारे के सारा हमारे पास क्या बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनका स्केयर खत्म हो गया तो ये बन गया 3x + 4, इनका भी स्केयर अंडर रूट खत्म हो गया 2x - 4, जब इनको 3x, 2x, 5x हो गया, 4 में से 4 गए तो ये तो वैसे 0 हो गया, माइनस ये रह गया और दूसरी तरफ 4 रह गया हमारे पास। अब नेक्स्ट जब हम करना है इसको, नेक्स्ट टर्म में हमारे पास ये देखें माइनस 2 वाला, ये वाला फंक्शन एक तरफ रहा, ये सारा दूसरा फंक्शन दूसरी तरफ, हम 5x था ना इधर, 5x दूसरी तरफ जाके क्या हो गया माइनस हो गया। तो अब इधर से हमारे पास नेक्स्ट क्या बनेगा, दोनों तरफ अगेन स्केयरिंग करेंगे, अगेन स्केयरिंग करने के बाद हमारे पास अंडर रूट इसमें से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जब अंडर रूट खत्म हो गया हमारा सवाल सिंपल बन जाएगा, इसका स्केयर करेंगे तो हमारे पास 2 का स्केयर 4 और इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा इस पे a प्लस बी वाला फार्मूला, a माइनस बी वाला, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गई एक्स स्केयर माइनस 24x प्लस 80। अब इसके पेयर्स बनते हैं, 20 4 बार सीधा सीधा पेयर बन गया 20 और 4, तो पेयर्स बना लिए। पेयर्स बनाने के बाद हमारे पास x माइनस 4 x माइनस 20,
तो इधर से x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 20। अब ये चेकिंग करना है हमने, ये देखो ये लिखा हुआ है ना सॉल्यूशन सेट, ऑन चेकिंग वी फाउंड दैट नो रूट इज एन एक्सट्रीनियस रूट। इसमें हमने एक्सट्रीनियस रूट बताना होता है, मतलब ये जो आंसर आए हैं ना 4 और 20, अब ये देखो 4 और 20 हमने पुट करने हैं, जो मेन क्वेश्चन है ना पड़ताल जिसे करते थे हम 5वीं 6वीं में, चेक ये देखे इसमें 4 था आंसर, 4 पुट किया, 12 और 4 16, अंडर रूट 16, 4 पुट किया, 4 2s are, इसमें बल्कि इसमें पुट कर लो 3 4s are 12 12 और 4 16, अंडर रूट 16 प्लस 2, और इसमें जब हमने 4 पुट किया 4 2s are 8 8 minus 4 कितना रह गया 2 2 ही रह जाएगा ना, 4 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट यहाँ ऐसे लिख लो अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 सॉरी ये हमारे पास बन गया 4 2 plus अंडर रूट 4 का हमारे पास जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 2 आ गया, 2 आ गया, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन सेट में जो आपको बताया कि सबसे पहले यही बात हुई है, जो भी फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा वो उसका रूट होगा, रूट तो होगा लेकिन वो सॉल्यूशन सेट में चला जाएगा, और जो इसको अगर लेट्स सपोज ये आपस में इक्वल ना आते तब हमने कहना था इसका ये एक्सट्रीनियस रूट है। ठीक हो गया, तो ये फिर काफी लंबा नहीं हो जाएगा? हाँ लेंथी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इसका? फाइव है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 अब देखें लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 उसमें हमारे पास आ रहे थे 2 अंडर रूट, अब इसमें कितने आ गए 3, और तीनों अभी तक हमारे पास कौन से जा रहे हैं, अभी तक सिंपल लीनियर वाले, फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक वाले आने हैं इनके अंदर है ना। अब इनका दोनों का टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, जब इसका करेंगे तो कैंसिल होकर ये 6x+13 दे देगा, ये हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो स्क्वायर रूट इसके साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, ये बन गया 2x+9 प्लस 2 इनटू इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये बन गई स्टेटमेंट। अब ये फिर वो पुराना क्वेश्चन बन गया पीछे वाला, ये जो चीजें आ रही थी ये एक तरफ ले गए हम, इनको माइनस करके ये आंसर आ गया। अब इधर से हमारे पास देखें 2 इधर भी है और 2 को सबको डिवाइड कर दिया 2 पे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा इधर, इधर भी 2 रह जाएगा। तो नेक्स्ट इसका अगेन हम क्या करेंगे, अगेन स्केयरिंग करेंगे, अगेन स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग जब की स्केयरिंग करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो स्केयर रूट था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, स्केयर रूट हमारे पास बिल्कुल ही खत्म हो गया, इधर से फिर a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab सारा एक तरफ ले आए, इक्वेशन बन गई हमारे पास ये वाली, और इसके पेयर्स उसने क्या बना दिए 3 10 बार 30 होता है, और 6 और 5 को जरूरत दें तो वो 30 आता है, 6 में से 5 निकाल दे तो 1 जवाब आ जाता है, तो इधर से पेयर्स बन गए, आंसर हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -5/3। अब ये हमने पड़ताल भी करनी है, चेक भी करना है कि क्या हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं आया, मतलब एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं है कोई दे रहा ये। अब ये देखो ऑन चेकिंग वी फाउंड दैट -5/3 इज एन एक्सट्रीनियस रूट, और 2 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, अभी हम देख लेते हैं इसका चेक करके। एक आंसर आया हमारे पास 2 और एक आंसर आया -5/3, ये देखें जब 2 पुट करेंगे हम 2 plus 7 9, 3 आ गया, 2 plus 2 4, 4 का अंडर रूट 2 आ गया, इधर हमने पुट किया 2
सिक्स टूज आर 12 और 13 25 का अंडर रूट 5 इक्वल टू 5 आ गया सर। हाँ ये सॉल्यूशन सेट में 2 आ गया हमारे पास, इसका मतलब सॉल्यूशन सेट में 2 आ गया। अब हमने चेक करना था -5/3 +7 अंडर रूट, इसका जब हल करेंगे इसका जवाब बन गया 21, 21 में से 5 निकाल दिए 16, 16 ओवर 3 का अंडर रूट प्लस, पर जब इसमें पुट करेंगे -5/3 तो वो मल्टीप्लाई करेगा 6, ये बन जाएगा 1/3 इक्वल टू, जब इसमें -5/3 पुट करेंगे ये बन जाएगा 5/3 2 5 10 माइनस ये बन जाएगा +3 का अंडर रूट, एक तरफ +3 का अंडर रूट आ गया। जब इनका मतलब देखेंगे इनका तो अब सम अब कर भी लो तो फिर भी ये हल नहीं होता, मतलब इसका आंसर ओवर है उसका आंसर ओवर है, ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये किस में चला गया उसके एक्सट्रीनियस रूट में, वो जो 2 वाला जो पहले सेटिस्फाई हो गया था वो उसका सोल्यूशन सेट बन गया, और जो हमारे पास नहीं आया उसमें तो वो चला गया उसके एक्सट्रीनियस रूट में, ठीक हो गया। हाँ जी एक चेक क्वेश्चन में लिखना है आपने, जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपका क्वेश्चन आप कैसे बता सकोगे उसको ये एक्सट्रीनियस रूट कौन से हैं, जब उसने पूछना है फाइंड द एक्सट्रीनियस रूट एंड सॉल्यूशन सेट तब हमने ये लाजमी कंपलसरी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 ही है। अच्छा भी क्वेश्चन नंबर 6, अब देखें वो दूसरी टाइप्स खत्म होगी ना जिसमें लीनियर आ रही थी, नेक्स्ट आपको बोला था अब आपके पास आएंगी जिसमें हमारे पास आएगा स्केयर वाली फॉर्म, अब स्केयर वाली फॉर्म आ गई है हमारे पास। अब इन स्केयर वाली फॉर्म को हमने सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये इसने थोड़ा सा लेंथी कर दिया है, इसको दूसरे तरीके से करते हैं हम नोटबोर्ड पे ना लिखवाना मुझे स्टेटमेंट इसकी, अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस वन माइनस वन इक्वल टू वन। अब ये देखें फर्स्ट टू स्टेटमेंट इनकी क्या है, आपस में इक्वल है, उसको हमने सपोज कर लिया लेट कर लिया वाई के बराबर, तो ये बन गया वाई प्लस वन माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू वन, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी, ये इकट्ठे कर दिया मैंने, ए बी जब करेंगे तो वो यही आएगा हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई होके इक्वल टू वन, तो इधर से वन वन से कैंसिल हो गया, ये बन गया टू वाई माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन, इधर से बन जाएगा टू वाई माइनस वन टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस वन एक तरफ आ गया, फिर दोनों का स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा फोर वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर वाई, यहां से बन जाएगा फोर वाई स्क्वायर माइनस वन, नेक्स्ट आ गया हमारे पास फोर वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर वाई फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर, तो इधर से हमारे पास जब इनको एक तरफ लेके आएंगे फोर वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर वाई माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर फोर वाई स्क्वायर के कैंसिल, इधर बन गया फोर वाई दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा इक्वल टू फाइव, वाई इक्वल टू आ गया फाइव ओवर फोर। अब ये y इक्वल टू फाइव ओवर फोर हमने इसकी जगह पुट करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू फाइव ओवर फोर, फोर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। अब इसके पेयर्स हमारे पास बनते हैं, अगर तो पेयर्स हमारे पास बनते हैं तो हम इसको मजीद फर्दर सॉल्व कर लेंगे, अगर पेयर्स हमारे पास नहीं बनते तो हम इसको क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, पेयर्स मेरे ख्याल में नहीं बनते इसके, चार पाँच बार बीस
अगर तो इधर एक होता तो फिर हम बना सकते थे चार पांच बार 20, तो इसके हमारे पास नहीं बनते तो नहीं बनते हम, हाँ इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, माइनस फोर प्लस माइनस 16 माइनस माइनस प्लस, चार चार बार 16, 16 पांच बार 80 ओवर 8, 96 किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है? 96 नहीं बनता, 96 हमारे पास नहीं बनता, ये 249 जार होता है, 249 जार भी नहीं बनेगा मेरे ख्याल में, ये बनेगा 24 जार, ये बनेगा, उससे हमारे पास 4 कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद कटेंगे, फिर इनके 2 आंसर आ गए। अब ये वाले जो आंसर है ये दोबारा किसमें पुट करने हैं? इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमने चेक करना है वो एक्सट्रीनियस रूट आता है कि नहीं आता, ठीक हो गया। ये सारा अमल करने के बाद हम देखेंगे कि मतलब यहाँ से आंसर तो आ जाएगा हमारे पास एक्स का, लेकिन वो सॉल्यूशन सेट में जाएगा कि नहीं जाएगा वो हमने चेक करना है, वो चेक करेंगे हम इसका चेक करके, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 10 और 11? यस सर। बस आखिरी दो रह गए हैं? यस सर। चलो जल्दी जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं, फिर सेकंड ईयर की क्लास शुरू करनी है। 10 और 11? यस सर। अच्छा ये देखिए, 10 और 11 में हमारे पास पहले काम बनाना है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह के दोबारा बन जाना है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है हमने, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट ही बन जाना दोबारा। ये देखिए, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 प्लस 4, और ये एज इट इज आ गया, ये सारी चीजें दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 27, और इधर एक्स स्क्वायर, अभी देखो फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो अंडर रूट वाला था उसको पुट कर लिया था y के बराबर, तो हमने देखा कि इनकी, अगर आप y के बराबर इसको ना भी पुट करें, अभी मैंने आपको एक सोल्यूशन और भी बताया, ये अगर चीज सेम आ रही है तो इसको पुट कर लो y के बराबर, तो फिर भी ऐसे हल हो जाएगा। हमने ये पूरे को पुट कर लिया y के बराबर, जब इनका स्क्वायर किया तो ये बन गया y स्क्वायर, हमने वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x की, एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू इधर रहेगी, माइनस 15 दूसरी तरफ जाके प्लस 15 हो जाएगा, जब इसकी जगह पुट करेंगे, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 15 माइनस 27 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12, 4 और 3 इसके सीधे सीधे पेयर्स बन जाएंगे हमारे पास, उधर से हमारे पास आंसर आ जाएगा, 4 3 पेयर्स बनने के बाद आंसर आ गया, वो आंसर हमने पड़ताल करनी है, पड़ताल करने के बाद हम देखेंगे कौन सा रूट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा रूट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये देखें, पड़ताल में जब उसने पड़ताल एक्स के आंसर निकाल लिए, फिर ये देखो बहुत लेंथी सवाल हो गया ये, एट द एंड उसने ऑन चेकिंग वी फाउंड नो रूट इज एक्सट्रीनियस रूट, कोई भी इसका एक्सट्रीनियस रूट नहीं था। कौन सा सवाल रह गया? 11, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 में आपने देखना है, लास्ट अभी हमने एक सवाल किया है, अंदर वाली टर्म्स में दो चीजें सेम आ रही हैं, जो अभी हमने व्हाइट बोर्ड पे किया था, 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x स्क्वायर माइनस 2x, इसको हमने क्या पुट कर देना है, वाई, जब वाई पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई प्लस 9 वाई माइनस, ये हमारे पास y प्लस 9 प्लस है दरमियान में y प्लस 4 इक्वल टू कितने 13, यस सर माइनस है, माइनस है, फिर उसी तरह टेकिंग जब स्केयर करेंगे y प्लस 9 y माइनस 4 प्लस 2 y स्क्वायर प्लस 13 y प्लस 36 इक्वल टू 169,
जब स्केयर करेंगे, ये बन जाएगा 2y प्लस 5 प्लस 2 इंटू y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इक्वल टू 169। कांस्टेंट टर्म और दूसरी टर्म जो अंडर रूट के बगैर है वो एक साइड पे ले जाओ, ये बन जाएगा 2y माइनस माइनस 5 प्लस 169 इक्वल टू 2 अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 2y और इनमें से जब निकालेंगे ये बन जाएगा प्लस 164 और ये 2। 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा ओनली y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। 2 इधर खत्म हो गया, ये बन जाएगा माइनस y और ये बन जाएगा प्लस 2 8 2 82 बन जाएगा। अब फिर इनका स्केयर करेंगे, इधर से स्केयर जब करेंगे तो तब हमारे पास ये स्केयर खत्म हो जाएगा, इनका a प्लस बी का स्केयर आ जाएगा, उधर से y के दो आंसर आ जाएंगे। जो y के आंसर आएंगे वो इधर हमने पुट करने हैं दोबारा, कि y को हमने क्या पुट किया हुआ था, क्या था हमारे पास, एक्स स्केयर माइनस या प्लस, क्वेश्चन में क्या था स्टार्टिंग में जहां y पुट किया हमने, हेलो सर, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, हाँ इसकी जगह ये y प्लस 9, जो दो आंसर आएंगे वो इसकी जगह पुट करेंगे, फिर उधर से दो पार्ट्स बनेंगे, फिर उस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा या कोई और फार्मूला लगेगा, ठीक है भाई।